और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी पुलिस पेपर लीक केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। इस केस में गिरफ्तारी हुई है सिपाही भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। राजीव उर्फ राहुल मिश्रा समेत दो और लोगों को यूपी पुलिस ने दबोचा है। सूत्रों के हवाले से अभी ये खबर आ रही है, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर निकालने के बाद क्वेश्चन पेपर को ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी से ये पेपर लीक हुआ था। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में भी राहुल मिश्रा ही असली मास्टरमाइंड था। पेपर लीक मामले में दोपहर 2 बजे पुलिस मुख्यालय में पुलिस की तरफ से डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। राहुल मिश्रा जो नाम अभी तक सामने आया है, राजीव उर्फ राहुल मिश्रा, इसके साथ यूपी एसटीएफ ने दो और लोगों को दबोचा है। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले का ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जिसे यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही यूपी पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन इससे पहले कि ये प्रक्रिया पूरी हो जाती, भर्ती हो जाती, पेपर लीक होने की खबर सामने आ गई थी। पेपर लीक होने के बाद कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठे थे। अब यूपी एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी।